किसने किसने बात सुने बात सुने, प्लीज खलल पैदा ना करें। यार आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ये देखे ये देखे ये देखे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी है, इज्जत बख्शी है। आप लोगों ने कहा था मैं गांव भागे हूँ, आप लोगों ने कहा था मैं पहाड़ों में भागे हूँ, आप लोगों ने कहा था मैं समुद्रों में भागे हूँ। वाजिद अली बुखारी पाकिस्तानी है, कौन सा बेटा है? ये देखो खड़ा हूँ मैं यहाँ पर। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली मोहतरमा, यूनियन को सालाना कितने फंड्स मिलते हैं? हाँ बताएं जरा, सही है कि नहीं? ये देखें जी, यहाँ पर ये यूट्यूबर मिली हुई है, पता नहीं क्या इसे पैसे मिले, क्या हुआ है? ये देखें ये देखें ये देखें जी, ये पर्चियाँ मुर्चियाँ हमने फाड़ दी है। जो बड़े लोग होते हैं, जिनको अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह जिनको इज्जत देता है ना, वो बड़े बड़े लोगों के साथ खड़े होते हैं। ये देखो एक तरफ उर्दू पॉइंट का एंकर है जिसे 20 साल हो गए, एक तरफ मेरे 2 साल लगाए मैंने अपनी लाइफ के। ये देखे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी है, इज्जत बख्शी है। आप लोगों ने कहा था मैं गांव भागे हूँ, आप लोगों ने कहा था मैं पहाड़ों में भागे हूँ, आप लोगों ने कहा था मैं समुद्रों में भागे हूँ। वाजिद अली बुखारी पाकिस्तानी है, कौन सा बेटा है? ये देखो खड़ा हूँ मैं यहाँ पर। तुम्हारा काम इंटरव्यू लेना नहीं है, तुम जाओ उनसे इंटरव्यू करो जिन्होंने कपड़े लटकाए हुए हैं, आप उनसे इंटरव्यू करो। आप चाहती क्या है, आप चाहती क्या है मेरी बहन, बताएं आप चाहती क्या है? यार एक कोई गल नहीं, इधर है एक मिनट, इधर आ। देखे जी मैडम झगड़ा कर रही है फजूल में ही। क्या हुआ, क्या कहती है? आपका पुतला लगे, आप तो ये है वो है। मैंने कहा क्या हुआ? तो मेरे भाई आप यहाँ पर नहीं अलाउड ना। मैं जा रहा हूँ ना, मुझे जबरदस्ती पकड़ा है। हाँ, नहीं आप जाएं, ठीक है नाज़रीन, मैं आगे जाके इंटरव्यू देता हूँ आज। आगे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। वाजिद भाई, ये किस किस्म की कंट्रोवर्सी है आपके साथ, क्यों लड़ाई हो रही है? यार ये बच्ची है, आपको पता बच्ची का काम क्या है, फॉलोअर चाहिए, चंद सब्सक्राइबर चाहिए। आपको पता है हमारे बुजुर्ग क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं जिनका मुकाबला नहीं किया जाता, या तो उन पर तनकीद किया जाता है, या तो उनको कत्ल कर दिया जाता है। मुकाबला ही नहीं है, आए ना मार देगा बच्चा, पूरे पाकिस्तान के मीडिया को बुलाया। ये आपसे कुछ और क्वेश्चंस कर रही थी, इस औरत मार्च के हिसाब से तो आपसे क्वेश्चन नहीं कर रही। मुझे कह रही थी आप औरत मार्च को सपोर्ट करते अक्सर। मैंने कहा मैंने कब सपोर्ट किया है? मैंने तो औरत मार्च के वो स्लोगन वाली पर्ची को भी फाड़ के उसके मुंह में मारा है। आपके पुतले पे भी कुछ और मुखालिफ ही लिखा हुआ, आप तो सपोर्ट नहीं कर रहे। मैं नहीं कर रहा, मैंने ये लिखा है कि आप देख सकते हैं कि मैंने फंड के मुतालिक बात की थी। अब एक इमाम मस्जिद होता है, एक मदरसे वाला होता है, उसको फंड दिया जाता है तो वो निज़ाम बात चलाता है। ये 5,000 तमाम लोग खड़े हैं, चल तू आ जा। कोई गल, बात पता क्या है? बात ये है किसी का भी इंटरव्यू करे ना, पहले उससे पूछो कि भाई ये क्या मामलात है। देखें मैं किसी से मामलात नहीं पूछूंगा, मुझे नहीं इशू। वो सामने अब्दुल्ला भाई का लगा है काका, इधर यासर शामी साहब का लगा हुआ है, शहबाज बड़ाई साहब का भी लगा हुआ है। यानी कि ये इज्जत रिस्पेक्ट यार अल्लाह देता है, बेनकाब करो इन लोगों को। अच्छा, यहाँ पे पुतले लगाने वाले आपको इज्जत दे रहे हैं? मुझे इज्जत तो नहीं मिल रही, लेकिन ये है कि मेरी फैन फॉलोइंग में खुद ब खुद इजाफा हो रहा। अच्छा, मैडम कह रही है कुछ थंबनेल से रिलेटेड कोई बात, मैडम क्या कह रही थी? आप मेरे थंबनेल देखें, जितनी नेक और अच्छे थंबनेल मेरे होंगे ना, शायद किसी के हों। देखें तो सही, आप देखें मैंने अल्लाह का नेक बंदा लिखा होता है, हम सफर की तलाश लिखा होता है, शादी के मुतालिक लिखा होता है भाई, और क्या।